हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू लेक्चर नंबर 3 ऑन आवर सीरीज ऑफ लेक्चर ऑन चैप्टर नंबर 1 लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। एट द एंड ऑफ दिस लेक्चर स्टूडेंट्स विल बी एबल टू यूज क्रैमर रूल टू सॉल्व लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। दे विल ऑल्सो गेट फैमिलियर विद डिटरमिनेंट। सो डू वॉच द वीडियो टिल एंड एंड आंसर द क्वेश्चन टू वेरीफाई द लर्निंग आउटकम। सो लेट्स बिगिन। तो चलिए शुरू करते हैं लेक्चर नंबर 3। अभी इसमें हम क्या सीखने वाले हैं, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल यूजिंग क्रैमर्स रूल और डिटरमिनेंट मेथड। इससे पहले हमने लीनियर इक्वेशंस का सॉल्यूशन बाय यूजिंग एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड देखा है। फिर उसके बाद हमने लास्ट लेक्चर में ग्राफिकल मेथड से इसका सॉल्यूशन कैसे ऑब्टेन करना है वो सीखा है। तो इस लेक्चर में हम क्या सीखेंगे, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल यूजिंग क्रैमर्स रूल और डिटरमिनेंट्स। तो चलिए शुरू करते हैं। क्रैमर्स रूल या डिटरमिनेंट मेथड सीखने के लिए पहले हम डिटरमिनेंट्स क्या होता है उससे हम फैमिलियर होते हैं। व्हाट इज डिटरमिनेंट, अभी डिटरमिनेंट क्या होता है उसका हम स्टडी करेंगे। देखिए यार, इसे हम क्या बोलते हैं, डिटरमिनेंट। डिटरमिनेंट मतलब क्या होता है, ये दो वर्टिकल लाइंस के बीच में हम नंबर्स को अरेंज करते हैं इन फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम्स। अभी देखिए, यहाँ पर ये दो लाइंस वर्टिकल है और इन दो वर्टिकल लाइंस के बीच में ए बी सी डी ये चार नंबर्स है और उन्हें कैसे अरेंज किया गया है रोज और कॉलम्स के फॉर्म में। तो इसे क्या कहा जाता है, डिटरमिनेंट। अभी इस डिटरमिनेंट का रिप्रेजेंटेशन कैसे किया जाता है, यूजिंग कैपिटल लेटर्स ए बी सी डी। इस तरह से किसी भी कैपिटल अल्फ़ाबेट से हम इस डिटरमिनेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। तो अभी इस डिटरमिनेंट का हम कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करेंगे। अभी देखिए, इस डिटरमिनेंट में क्या होता है, ये एलिमेंट्स होते हैं, इसे क्या जाता है, क्या कहा जाता है, रो फर्स्ट रो कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, ये सेकंड रो, ये एलिमेंट्स होते हैं, इसे क्या कहा जाता है, फर्स्ट कॉलम। इसे क्या कहा जाता है, सेकंड कॉलम। तो इस तरह से रोज और कॉलम्स पहचाने जाते हैं। तो अभी हमें इस डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालनी है, तो वो वैल्यू अब कैसे निकालते हैं अभी हम देखते हैं। तो अभी हमें इस डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालनी है, तो उसे कैसे निकाला जाता है, देखिए इन दोनों नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन किया जाता है, ए इंटू डी, फिर माइनस किया जाता है, माइनस बी इंटू सी। तो इस डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या आएगी, ए डी माइनस बी सी। तो इस तरह से इस डिटरमिनेंट की वैल्यू ऑब्टेन की जाती है। तो अभी देखिए, इस डिटरमिनेंट में रोज में कितने एलिमेंट्स हैं, दो एलिमेंट्स हैं, और कॉलम में कितने एलिमेंट्स हैं, दो एलिमेंट्स हैं। तो इस डिटरमिनेंट की डिग्री क्या होगी, डिग्री इसकी क्या होगी, 2, क्योंकि इसमें क्या है, दो रोज है, ये पहली रो है और ये दूसरी रो है, और कॉलम्स कितने हैं, ये फर्स्ट कॉलम है और ये सेकेंड कॉलम है, ये क्या है, फर्स्ट रो है और ये सेकेंड रो है। तो इसलिए इसमें दो रोज और दो कॉलम होने की वजह से इसकी डिग्री क्या होगी, 2। अगर इसमें 3 रोज है और 3 कॉलम्स है तो इसकी डिग्री क्या होगी, 3। उसी तरह अगर उसमें n नंबर ऑफ रोज है और n नंबर ऑफ कॉलम्स है तो उसकी डिग्री क्या होगी, n। इस तरह से इसकी डिग्री निकल जाती। आशा करता हूँ आपको इस डिटरमिनेंट की वैल्यू कैसे निकाली जाती है ये समझ में आएगा इस तरह से। तो इसे आपको ध्यान में रखना है।
तो अभी हमने डिटरमिनेंट के कॉन्सेप्ट सीखे, तो अभी मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ कि इसे सॉल्व कैसे किया जाता है। देखिए, सपोज ये डिटरमिनेंट ए और इसमें नंबर इस तरह से लिखे हैं, तो अभी हमें इस डिटरमिनेंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे हम? 7 और 3 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 3 मल्टीप्लाइड बाई 7 माइनस, फिर 4 और 2 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 4 मल्टीप्लाइड बाई 2, तो इसका आंसर क्या आएगा? 21, और ये क्या आएगा? माइनस 8, तो इसका आंसर क्या आएगा? 13। तो 13 क्या है? इस डिटरमिनेंट की वैल्यू है। आशा करता हूँ अभी एग्जांपल से आपको समझ में आया होगा। तो अभी इसी कंसेप्ट को यूज़ करके हमें क्रैमर्स रूल स्टडी करना है। क्रैमर्स रूल में क्या होता है कि ये डिटरमिनेंट का कंसेप्ट यूज़ करके हम क्या करते हैं, लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स होते हैं, तो उसमें वो टू वेरिएबल्स होते हैं तो उनकी वैल्यू डिटरमिनेंट्स का यूज़ करके उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अभी हम क्रैमर्स रूल स्टडी करेंगे। क्रैमर मतलब क्या होता है? क्रैमर एक मैथमेटिशियन का नाम है फ्रॉम स्विट्ज़रलैंड, तो उसके नाम पर इस रूल का नाम दिया गया है। तो आइए देखते हैं क्रैमर्स रूल क्या है बेसिकली। अभी देखिए, लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल को जनरल फॉर्म में कैसे लिखते हैं? a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1, a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2। इसे क्या कहेंगे? इक्वेशन 1, और इसे क्या बोलेंगे? इक्वेशन 2। तो ये दोनों क्या हुए? लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। हमने इसे सॉल्व करने के लिए पहले कौन से दो मेथड देखे हैं? सब्सटीट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड, वो हमने लेक्चर 1 में उसके हाईलाइट्स कर लिए। फिर लेक्चर 2 में कौन से मेथड सीखे? यूजिंग ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड से लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल का सॉल्यूशन किस तरह से ऑब्टेन किया जाता है वो सीखा है। तो अभी इस क्रैमर रूल में हम डिटरमिनेंट्स का यूज़ करके कैसे लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल का वैल्यू निकाला जाता है वो हम यहाँ पर सीखने वाले हैं। तो अभी इसे स्टडी करने के लिए आपको एलिमिनेशन मेथड का प्रोसेस याद रखना होगा। देखिए, अभी ये दो इक्वेशंस हमारे पास है, तो अभी इसे एलिमिनेशन मेथड यूज़ करके हमें एक्स और वाई की वैल्यू ऑब्टेन करनी है। तो देखिए कैसे की जाती है। पहले हम क्या करेंगे, इक्वेशन हमें वाई एलिमिनेट करना है, तो इक्वेशन 1 को हम b2 से मल्टीप्लाई करेंगे और इक्वेशन 2 को b1 से मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय b2 एंड इक्वेशन 2 बाय b1। तो न्यू इक्वेशंस क्या हो गए? a1 b2 प्लस b1 b2 y, ये x और ये y इज इक्वल टू c1 b2। फिर इक्वेशन 2 क्या होगा? a2 b1 x प्लस b1 b2 y इज इक्वल टू c2 b1। अभी ये क्या हुआ? इक्वेशन 3 और ये इक्वेशन 4। अभी देखिए, यहाँ पर हम क्या करेंगे? सब्सट्रैक्ट करेंगे। इक्वेशन 4 को इक्वेशन 3 में से सब्सट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा? ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। फिर बचेगा क्या? a1 b2 माइनस a2 b1, और ये x कॉमन यहाँ से, यहाँ पर c1 b2 माइनस c2 b1। तो फिर x की वैल्यू क्या आएगी? c1 b2 माइनस c2 b1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1। तो ये हुई x की वैल्यू। अभी देखिए, यहाँ पर हमने डिटरमिनेंट को कैसे लिखा था? x mn xy। अभी देखिए, यहाँ पर हमने डिटरमिनेंट की वैल्यू कैसे निकाली थी? my-xn। तो बस ये कॉन्सेप्ट यहाँ पर लगानी है। x की वैल्यू कैसे आएगी? x इज इक्वल टू, देखिए c1 b2 और ये c2 b1। अभी मैं इसको कैसे लिखूँगा? देखिए, c1 अपॉन c1 c2 और ये b1 b2। इसको मैंने डिटरमिनेंट फॉर्म में लिख लिया है।
देखिए C1B2, देखिए ये यूज़ करके इसकी वैल्यू निकालेंगे, क्या आएगी C1B2 माइनस xn क्या है C2B1, मतलब क्या आएगा C2B1। तो इससे हमने रिवर्स ऑर्डर में लिख लिया। उसी तरह इन दोनों टर्म्स को भी लिखना है। कैसे आएगा फिर ये A1 A2 और ये क्या आएगा B1 B2। तो इस तरह से हमने डिटर्मिनेंट फॉर्म में इसे लिख लिया है। ये यहाँ पर क्या किया है, ये क्या है A1 A2 क्या है कोएफिशिएंट ऑफ x है और ये B1 B2 क्या है कोएफिशिएंट ऑफ y है। अभी हमें x का कोएफिशिएंट निकालने के लिए क्या किया, ये जो x के कोएफिशिएंट है उसे निकाल कर ये कॉन्स्टेंट वहाँ पर फिट कर लिया, C1 C2 यहाँ पर लिख लिया। तो इसलिए इस डिटर्मिनेंट को कैसे लिखेंगे हम, इस पूरे डिटर्मिनेंट को कैसे लिखेंगे हम, x इज इक्वल टू dx अपॉन d और इस डिटर्मिनेंट को कैसे लिखेंगे d, इसे कैसे लिखेंगे। अभी यहाँ पर हमने x के कोएफिशिएंट को निकाल के वहाँ पर C1 C2 लगाए तो उसे क्या करेंगे हम dx लिखेंगे इस तरह से। तो इस तरह से हम x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। अभी ये x की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में सब्सटीट्यूट करेंगे तो हमें y की वैल्यू मिल जाएगी। तो अभी इसे नेक्स्ट पार्ट में हम सॉल्व करते हैं, तो आइए देखते हैं। ठीक है, जिस तरह से हम एलिमिनेशन मेथड में सॉल्व करते हैं बस वही प्रोसेस हम यहाँ पर भी फॉलो कर रहे हैं। अभी देखिए हमें x की वैल्यू पता है, तो अभी ये x की वैल्यू सपोज मैं अभी इक्वेशन 1 में पुट करूँगा और हमें पुट करने के बाद मुझे y की वैल्यू मिल जाएगी। तो देखिए इस वैल्यू को मैं इक्वेशन 1 में पुट करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा A1, ये x की जगह ये टर्म लिख दूंगा C1 B2 माइनस C2 B1 अपॉन A1 B2 माइनस A2 B1 प्लस B1y इज इक्वल टू C1। देयरफॉर B1y इज इक्वल टू C1 माइनस A1 C1 B2 माइनस A1 C2 B1 अपॉन ये A1 B2 माइनस A2 B1। अभी इस टर्म को C1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा C1 A1 B2 C1 माइनस A2 B1 C1 माइनस, अभी ये माइनस यहाँ पर मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा A1 C1 B2 A1 B2 C1, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा A1 B1 C2 डिवाइडेड बाय A1 B2 माइनस A2 B1। अभी देखिए ये A1 B2 C1 और A1 B2 C1 ये कैंसिल हो जाएगा तो ये जो B1 है इस तरफ आ जाएगा। देखिए अभी ये दोनों टर्म्स कैंसिल हो गए तो अभी ये B1 उस तरफ जाएगा तो क्या मिलेगा हमें y इज इक्वल टू, अभी B1 यहाँ से कॉमन आ जाएगा, देखिए यहाँ से B1 कॉमन आ जाएगा तो हमें क्या मिलेगा 1 अपॉन B1 इंटू B1 इन दोनों टर्म्स में से B1 कॉमन आ गया तो हमें क्या मिलेगा A1 C2 माइनस A2 C1 डिवाइडेड बाय A1 B2 माइनस A2 B1। ये B1 कैंसिल हो जाएगा, y इज इक्वल टू ये टर्म मिलेगी। अभी हमें y की वैल्यू मिली तो अभी इस वैल्यूज को मैं डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखूंगा। देखिए y इज इक्वल टू इसे कैसे लिखूंगा A1 A2 C1 C2 डिवाइडेड बाय नीचे वाले को कैसा लिखूंगा A1 A2 B1 B2। अभी पिछले वाले पार्ट में हमने देखा था कि हमने इस डिटर्मिनेंट को क्या रिप्रेजेंट किया था d। अभी यहाँ पर देखिए
y की वैल्यू निकालने के लिए यहाँ पर ये जो ऊपर वाला डिटर्मिनेंट है उसमें क्या हुआ है, x के कोएफिशिएंट वैसे ही रहे, देखिए x के कोएफिशिएंट वैसे ही रहे, लेकिन चेंज क्या हुआ है, y के कोएफिशिएंट, y के जो कोएफिशिएंट है उसे कॉन्स्टेंट्स ने रिप्लेस कर दिया है। तो इस डिटर्मिनेंट को क्या डिनोट करेंगे हम, dy। तो इस तरह से y की वैल्यू क्या होगी, dy अपॉन d। तो इस तरह से लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल को हम डिटर्मिनेंट मेथड से सॉल्व करते हैं। तो हमें पूरा मेथड यूज़ नहीं करना है, बस ये जो लास्ट वाले फार्मूलाज है यही यूज़ करने हैं। तो अभी फार्मूलाज कौन से यूज़ करने हैं वो मैं आपको यहाँ पर लिख के बताऊँगा। अच्छा करता हूँ, ये डेरिवेशन आपको समझ में आया होगा। तो अभी इस डेरिवेशन से हमें जो फार्मूलाज मिले लास्ट में, तो वही फार्मूलाज हमें यूज़ करने हैं। तो अभी देखिए, ये दो इक्वेशंस है, तो इसे क्रैमर्स रूल से सॉल्व करने के बाद हमें क्या मिला है, x की वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, x इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी। तो डी एक्स की वैल्यू क्या है, सी वन सी टू, ये सी वन सी टू और ये बी वन बी टू, सॉरी बी वन और ये बी टू। फिर d की वैल्यू क्या होगी, ए वन ए टू और ये क्या है, बी वन बी टू। तो इस तरह से हम x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे यूजिंग डिटर्मिनेंट्स। y की वैल्यू क्या होगी, dy अपॉन d इज इक्वल टू, dy की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये देखिए a1 a2 और ये b1 b2। a1 a2 वैसा ही लिख देना है, a1 a2 और ये जो b1 b2 है उसे c1 c2 से रिप्लेस कर देना है, c1 c2। तो इस तरह से हम x की और y की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं यूजिंग क्रैमर्स रूल। तो आशा करता हूँ ये फार्मूलाज कैसे दे रहे हुए वो आपको समझ में आएगा, काफ़ी ईजी है। आपको डिटर्मिनेंट की कंसेप्ट क्लियर हो गई है तो ये आपको ईजिली समझ में आएगा, और मैंने इसको ध्यान में कैसे रखना है उसकी भी हिंट बताई है। अभी फिर एक बार बता देता हूँ, देखिए अगर हमें x की वैल्यू निकालनी है तो ये जो नीचे वाला डिटर्मिनेंट होता है जिसमें x और y के कोएफिशिएंट लिखे होते हैं, x की वैल्यू निकालने के लिए ये जो x के कोएफिशिएंट है उसे c1 c2 से रिप्लेस करना है ऊपर वाले डिटर्मिनेंट में। फिर जब हमें y वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो ये जो नीचे वाला डिटर्मिनेंट है उसे ऊपर वैसे लिख देना है, बस ये जो y के जो कोएफिशिएंट है b1 b2 उसे c1 c2 से रिप्लेस कर देना है dy की वैल्यू निकालने के। फिर इस तरह से इन दोनों की वैल्यू हम, इन दोनों वेरिएबल्स की वैल्यू हम निकाल दें। आशा करता हूँ ये डिटर्मिनेंट्स मेथड या क्रैमर्स रूल आपके समझ में आएगा। अगर आपको समझ में आए तो लाइक कर दीजिए वीडियो को और फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप नए आए हैं तो। तो अभी नेक्स्ट पार्ट में हम क्या करेंगे, एक एग्जांपल लेके इस मेथड को आपको मैं एक्सप्लेन करूँगा। तो चलिए, तो अभी मैंने एग्जांपल कहाँ से लिया है, प्रैक्टिस सेट 1.3 का जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसमें सब क्वेश्चन नंबर 6 है, तो उस क्वेश्चन को मैंने एज अ एग्जांपल लेकर आपको क्रैमर्स रूल समझाऊंगा। पहले वाले पार्ट में हमने क्रैमर्स रूल इस तरह से लिया है, ये देखिए ये दो लीनियर इक्वेशंस विद टू वेरिएबल्स है, ये क्या है, a1 a2 कोएफिशिएंट ऑफ x, b1 b2 कोएफिशिएंट ऑफ y, c1 c2 क्या है, कांस्टेंट है। तो x की वैल्यू कैसे निकालिए, dx एक्स अपॉन डी, डी एक्स मतलब क्या होता है, x के कोएफिशिएंट्स को c1 c2 से रिप्लेस किया हुआ डिटर्मिनेंट होता है, d क्या होता है, वेरिएबल्स के कोएफिशिएंट का डिटर्मिनेंट, dy क्या होता है, ये जो y के कोएफिशिएंट होते हैं उसे निकाल कर c1 c2 हम वहाँ पर यूज़ करते हैं। तो अभी इन फार्मूलाज को यूज़ करके हमें इन दो इक्वेशंस का सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। तो आइए देखते हैं, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है इस तरह से, लेकिन ये इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है तो उसे स्टैंडर्ड फॉर्म में रिड्यूस करना है। तो उसे कैसे करेंगे, मल्टीप्लाई दिस इक्वेशन बाय टू, इसको हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय टू, तो क्या हो जाएगा, टू एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू वन। तो अभी ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया, तो हमें ये दो इक्वेशंस अभी स्टैंडर्ड फॉर्म में मिल गए। तो अब हम क्या करेंगे, ये देखिए यहाँ पर d कॉमन है, तो पहले हम d की वैल्यू निकाल लेंगे, d क्या होता है, ये डिटर्मिनेंट कोएफिशिएंट ऑफ x और y के कोएफिशिएंट्स, d क्या होता है, x और y के कोएफिशिएंट्स का डिटर्मिनेंट होता है। तो
देखिए डी क्या है, ए वन ए टू एक्स के कोएफिशिएंट, बी वन बी टू क्या है, वाई के कोएफिशिएंट है। तो अभी इस फॉर्मूला का यूज़ हम यहाँ करेंगे। देखिए डी की वैल्यू यहाँ से क्या मिलेगी हमें, टू। यहाँ पर ए वन क्या है, टू। यहाँ पर ए टू क्या है, टू। बी वन क्या है, थ्री। यहाँ पर बी टू क्या है, माइनस वन है। तो अभी हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, टू इंटू माइनस वन कितना हो जाएगा, माइनस टू। माइनस थ्री टू जा क्या होगा, सिक्स। इसकी वैल्यू क्या आएगी, माइनस एट। अभी हमें डी एक्स की वैल्यू निकालनी, डी एक्स क्या आएगा, मतलब डी एक्स मतलब क्या होता है, इसमें जो एक्स के कोएफिशिएंट वाला कॉलम होता है उसे किस से रिप्लेस किया जाता है, सी वन सी टू से। यहाँ पर सी वन सी टू क्या है, सी वन टू है और सी टू वन है, मतलब यहाँ पर टू वन आएगा और ये वैसे ही थ्री माइनस वन। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, टू इंटू माइनस वन क्या आएगी, माइनस टू। माइनस थ्री वन जा थ्री, इसकी वैल्यू क्या है, डी एक्स की माइनस फाइव। अभी हम डी वाई की वैल्यू निकालेंगे, डी वाई। डी वाई की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, ये जो डिटर्मिनेंट होता है इसमें जो y के कोएफिशिएंट होते हैं उसे c1 c2 से रिप्लेस किया जाता है। तो अभी देखिए इन दो नंबर्स को c1 c2 से रिप्लेस किया जाएगा। c1 c2 क्या है, c1 2 c2 1 2 1। तो dy की वैल्यू क्या है, 2 1 जा 2 माइनस 2 2 जा 4। dy की वैल्यू क्या है, माइनस 2। तो अभी हमें x के कोएफिशिएंट की वैल्यू निकालनी है। तो क्या आएगा, x इज इक्वल टू हमारा फॉर्मूला क्या है, डी एक्स अपॉन डी, डी एक्स अपॉन डी। डी एक्स की वैल्यू क्या है, माइनस फाइव। डी की वैल्यू क्या है, माइनस एट। तो x की वैल्यू क्या आई, फाइव अपॉन एट। ये क्या हुई x की वैल्यू। y की वैल्यू क्या आएगी, डी वाई अपॉन डी। डी वाई की वैल्यू क्या है, माइनस टू। और d की वैल्यू क्या है, माइनस एट। टू वन ज़ा टू, टू फोर ज़ा एट, ये माइनस माइनस साइन कैंसिल। तो y की वैल्यू क्या आई, वन अपॉन फोर। तो इस तरह से हमें x और y की वैल्यू मिल गई है यूजिंग क्रैमर्स रूल। आशा करता हूँ ये मेथड आपको समझ में आया होगा। अगर आपको ये मेथड समझ में ही है तो इसे वीडियो को लाइक कीजिए और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर ये क्वेश्चन का सोल्यूशन आपके समझ में आया तो मैं आपको अभी एक क्वेश्चन और दूंगा, उनको सॉल्व करके आप उसका आंसर कमेंट्स में मुझे बताइए। तो गाइज ये रहा वो क्वेश्चन, तो इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करके मुझे इसका आंसर कमेंट्स में मुझे बताइए। जो भी इस क्वेश्चन का सही आंसर देगा उसका आंसर कमेंट्स में पिन होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।